प्रभु काज बीन कहां विश्राम, इस दोही का चित्रार्थ हो रहा है कि लोग जो है यहाँ अपने अपने काम से सिद्ध कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। इसी दान की कड़ी में हल्दीराम की तरफ से ये बैटरी जो शुद्ध इंजन मतलब स्वचालित इलेक्ट्रिक बस है, बैन है, इसे दान दी गई है, जिससे जो विकलांग जो बुजुर्ग बच्चे जो चल ना सके उनको गर्भगृह तक पहुंचाया जाए, मंदिर स्थल तक पहुंचाया जाए। इसे बात करते हैं, ये उन्हीं के ट्रस्ट में काम करते हैं साहब। आपका नाम? नहीं, ट्रस्ट नहीं, हमारा ट्रस्ट है माँ सीताराम रसोईया, माँ सीताराम रसोईया सचिव हूँ। हाँ, और हल्दीराम जी से बात हुई जो है, तो हम लोग प्लान किए कि क्यों ना मंदिर प्रशासन या प्रभु राम की सेवा करने कुछ मौका मिले, मानी चंपक जी जो है इस सेवा का मौका दिए जो है कि जो हैंडीकैप्ट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, को कैसे जाया जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रिक बस से जो है मेन गेट से लेकर गर्भगृह तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो ऐसे फ्यूचर में 21 बसें आएंगी, लेकिन अभी 7 डोनेट किया जा रहा है। प्लस हल्दीराम ग्रुप में अति विशिष्ट वीवीआईपी जो है, तो उसका 15,190 प्रसाद का डिब्बा दिया मंदिर प्रशासन, जो हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा कि हम प्रभु का सेवा करने का मौका मिला। प्लस एक थाल थी जो हल्दीराम ने प्रेजेंट किया था जो है, वो प्रभु का भोग लगा। और कुछ आप बता रहे थे गुरुकुल और अपना राम रसोईया के स्टार्ट करने की। हाँ, वो माँ सीताराम रसोईया फाउंडेशन के तहत हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे हमारी पंकज जी चंपा जी से बात हुई थी जो है कि हम 4 से 5 रसोईया चलाएंगे जो है, उसमें हम लोग प्लानिंग है कि जो प्रभु के दर्शन करने आए उनको अच्छा भोजन मिले, प्रसाद मिले, भोजन कहना गलत है, प्रसाद मिले। तो हम लोग वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्लान कर रहे हैं, उसमें 10,000 भी हो, 20,000 भी हो, 30,000 भी हो, 40,000 पर डे हम लोग खाना खिलाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दान देना चाहते हैं, इसी को कहते हैं रामराज। रामराज, रामराज जो स्थापित होगा या स्थापित हो चुका है, और ये जनता भी बता रही है, लोग भी बता रहे हैं कि रामराज है। यहाँ पर रात जो है हो चुकी है, लेकिन अपने भाई से कहेंगे जरा दिखाएं पीछे, भीड़ अभी कम नहीं हुई दर्शन करने के लिए। और आप बताएं कि रामराज ऐसे भी और लोग प्रेरित करेंगे। रामराज तो 550 साल आप बोल रहे हैं, मतलब हमेशा रामराज रहा है, बस लोग अपना टोटल नजरिया अलग है। हाँ, हम बोल सकते हैं रामराज हमारा आ गया, हमारे प्रभु विराजमान हो चुके हैं, तो रामराज यहाँ स्टार्टिंग हो चुकी है। रामराज हमेशा रहा है, लोग अपने सोचने की जो है सोचने समझने की ऐसे व्यवस्थाओं में और लोग भी दान करेंगे और यहाँ सहयोग करेंगे अयोध्या से जन्माने के लिए विजय।